जय हिंद वंदे मातरम साथियों, मैं अनवर सम्राट आपके अपने चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हिंदी की क्लास लेकर के आए हैं, जो टॉपिक होगा आपका प्रत्यय। प्रत्येक बेहद ही अच्छा टॉपिक है, कल मैंने उपसर्ग करवाया था, आज प्रत्यय होने वाला है। और शानदार तरीके के साथ क्लास को लेना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। देखिए प्रत्यय की अगर बात करते हैं हम, प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय कहते किसे हैं, और प्रत्यय के विषय में एक खास जानकारी, प्रत्यय होता क्या है। यहां से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, चाहे आरओएआरओ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, यहां से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब यहां अगर बात की जाए प्रत्यय के, प्रत्यय कहते किसे हैं, इस चीज को बहुत शानदार तरीके के साथ समझने वाले हैं। प्रत्यय जो कहते हैं वे शब्द जो शब्द के, वे शब्द जो शब्द के अंत में जुड़ करके अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आय होता है, ये प्रत्यय कहलाएगा। प्रति का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ क्या होता है, प्रति का अर्थ होता है साथ में, प्रति का अर्थ क्या होता है साथ में, जब कोई शब्द हमारे साथ हो तो उसे प्रत्यय कहेंगे। और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अब मैं देखूंगा सर प्रत्यय का अर्थ क्या निकला, प्रत्यय जो बना प्रति प्लस अय से बना, प्रति का अर्थ होता है साथ में, अय का मतलब होता है चलने वाला। अगर इसकी बात करूं इसका कंप्लीट अर्थ क्या होता है, साथ में चलने वाला, साथ में चलने बाला, ये इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा, साथ में चलने बाला। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है, साथ में चलने वाला। अगर बात की जाए साथ में पर बाद में चलने वाला, ये भी सही है, क्योंकि बाद में भी तो चल सकता है, बिल्कुल बाद में भी चल सकता है। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता, वे शब्द, वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। कहते ना बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का अस्तित्व नहीं होता, वो क्या होते हैं, किसी के पीछे लग जाते हैं, नेताजी नेताजी नेताजी, उनके रहने सहने ढंग में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे होते हैं, उनकी बदनामी भी करवा देते हैं। वो क्या होता है, प्रत्यय वाला, साथ लगने वाला, पीछे लगने वाला, किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके शब्द में अर्थ परिवर्तन कर दे, वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं इसका एग्जाम्पल, जैसे यहां देखता हूं एक शब्द टिकाऊ, टिकाऊ कैसा है। अब किसी वस्तु का दुकान पर जाओगे, दुकानदार आपसे कहेगा ये बताइए सर, आप दुकानदार से कहोगे मुझे एक ऐसी वस्तु दिखा दे जो बिल्कुल टिकाऊ हो, जो बिल्कुल दादा ले पोता बढ़ता ऐसी चले। अब यहाँ कहोगे, कहेगा वो बिल्कुल टिकाऊ दिखाएंगे। अब कहोगे टिकाऊ मतलब होगा इसकी विशेषता होगी, कैसी होगी, विशेषता होगी। जैसे टिक, टिक एक अपने आप में शब्द है, आऊ क्या हो, आऊ का कोई अर्थ होता है नहीं होता ना, ये क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। मूल शब्द होगा, मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में। अब यहां बात करेंगे ये कहलाएगा टिक, मूल शब्द हो जाएगा, और ये प्रत्यय कहलाएगा, तब क्या बन जाएगा, एक प्रत्यय बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक शब्द बन जाएगा, बिक की बात करें बिक मूल शब्द होगा, आऊ प्रत्यय होगा, ये एक शब्द निर्माण हो जाएगा, ये क्या बन गया, बिकाऊ। अब यहां बात करें होन, उसके बाद हार, तो कैसा बन गया, होनार। आप कहेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में या आरओआरओ में, घर वाले कहेंगे हमारा लड़का बहुत होनार है, इस लड़के का ब्याह करने वाले हैं हम, बताओ कोई लड़की हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप हो जाओगे होनार, लड़का पुलिस में है। यहां देखिए उसके बाद लेनदार, देनदार। अब बात की जाए लेनदार, यहां लेन शब्द है, इसमें दार मैंने प्रत्यय लगा दिया तो पूर्ण कंप्लीट शब्द बन गया लेनदार। क्लियर है। घटिया, आप कहते हैं सर घटिया 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 आदमी, अरे नहीं घटिया आदमी की बात नहीं चल रही, घटिया की बात चल रही है, घट प्लस इया, घट में अगर इया लगा दूं तो क्या बन जाएगा, घटिया। अब आप देखें मात्रा छोटी है तो छोटी है आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूं गाड़ी बाला, ये गाड़ी क्या है, शब्द है, बाला अपने आप में क्या है, एक बाला क्या है, प्रत्यय है, ये मूल शब्द, ये प्रत्यय, और ये क्या बन गया, कंप्लीट शब्द बन गया गाड़ी बाला। नेक्स्ट सुत प्लस अक्कड़, सुतक्कड़, सुतक्कड़ कौन होता है, नशेड़ी से साले सुतक्कड़ होते हैं, क्या उन्हें क्या बोलते थे, सुतक्कड़ बोलते थे। दया लू, दयालु क्या होता है, दया प्लस लू, ये क्या कहलाएगा, दयालु कहलाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट चले
बताइए जल्दी। नेक्स्ट की अगर बात करता है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे सर होते कौन कौन से ये तो बता दो, मैं इनकी बिल्कुल बताऊंगा भाई, खिलाड़ियों जल्दी आ जाओ, अभी बिल्कुल बताने वाला हूं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप कहेंगे सर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रत्यय कितने प्रकार के? दो प्रकार के होंगे। पहला होगा कृदंत कृत प्रत्यय, या इसको कृदंत भी कह सकता हूं, कृदंत प्रत्यय भी कह सकता हूं, इसको तंदित प्रत्यय कह सकता हूं, ये तंदित प्रत्यय होता ही है। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कह सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी एग्जाम में कृदंत आ जाए आप क्वेश्चन को गलत कर दें, तो इस वजह से क्वेश्चन को देख लेना है, क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उस चीज को सावधानी से देख लेना है। बताइए भाई क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर बात की जाए कृदंत प्रत्यय, ये कौन सा प्रत्यय होगा? ये होगा भाई कृदंत प्रत्यय, देख लो ये होगा कृत प्रत्यय कह सकते हैं, कौन सा? कृत प्रत्यय कह सकते हैं या कृदंत प्रत्यय कह सकते हैं। क्लियर है भाई? हाँ। अगर बात की जाए कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, यहां मैं देखता हूं जो प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर, जो प्रत्यय या जो क्रिया धातु धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो क्या बोला है? जो क्रिया या धातु के अंत में। अब आप कहेंगे सर मुझे ये बता दो धातु कहते किसे हैं, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, मैं इनके बिल्कुल ये बताऊंगा। धातु कहते किसे हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिख लेना भाई मेरे खिलाड़ियों, लिख लेना क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। ये होगा क्या होगा? ये होगा प्रत्यय, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम 2018 में सीधा क्वेश्चन पूछा, धातु किसे कहते हैं? तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्जाम में ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझ लेना। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं सूख, अबे ये क्या बन गया सूख, अब यहां सब में मैंने आ लगा दिया, क्या लगा दिया आ, तो झूला। देखो सूख में अगर आ लगा दूंगा तो सूखा हो जाएगा, भूल में अगर आ लगा दूंगा तो भूला हो जाएगा, जाग में अगर आ प्रत्यय लगा दूंगा जागा हो जाएगा, पूज में अगर आ लगा दूंगा तो पूजा हो जाएगा, भिक्ष में अगर आ लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? भिक्षा हो जाएगा, भिक्षा हो जाएगा ना। हाँ, उसके बाद अगर लिख में आ लगा दूंगा तो लिखा हो जाएगा, भट्ट में आ लगा दूंगा भटका हो जाएगा, और झूल में आ लगा दूंगा तो झूला हो जाएगा। तो ये क्या होगा? जिन शब्दों के अंत में अगर आ प्रत्यय लगा दूं तो शब्द की दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाए, वो क्या होगा? प्रत्यय होगा। क्लियर है भाई? प्रत्यय होगा ना, आ एक प्रत्यय है, इसमें समझ लेना। ये पूछेगा दिए गए शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। नेक्स्ट देखिए, अगर सब में ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं मेरे पास ये वाले, अगर इन शब्दों में अगर मैं आई लगा देता हूं तो शब्द की दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएंगी, पूरी रूपरेखा चेंज हो जाएगी। यहां देखते हैं लड़, लड़ में अगर आई लगा दूं तो क्या बन जाएगा? लड़ाई हो जाएगा। अगर सिल में अगर आई लगा दूं तो सिलाई हो जाएगा। अगर पढ़ में आई लगा दूं तो पढ़ाई हो जाएगा। अगर चढ़ में आई लगा दूं तो चढ़ाई हो जाएगा। अगर सुन में आई लगा दूं तो सुनाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे? ये प्रत्यय हो जाएंगे। क्लियर है भाई? आई अपने आप में क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। बाकी ये शब्द हो जाएंगे और ये मूल शब्द हो जाएंगे। धातु कह सकते हैं इनको, अगर मैं लड़ को धातु कह दूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा धातु जो कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्लियर है भाई? आ प्रभु। उसके बाद अगर आन लगा दूं किसी शब्द के, किसी धातु के अगर अंत में अगर आन लगा दूं एक शब्द बन जाएगा। अगर किसी धातु के अंत में आन प्रत्यय के रूप में लगा दूं तो एक क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। कैसे? अब यहां देखिए उड़ और आन तो क्या बनेगा? उड़ान। मिल और आन क्या होगा? मिलान। करते थे ना तुम ऐसे मिलान, ये मिल गया मिलान, तो हम एग्जाम में
पूछ लेता है, मिल में अगर आ लगा आने लगा दूं तो क्या बन जाएगा? मिलान। अगर दौड़ मेरे पास दे रखा है, दौड़ में आन लगा दूं तो क्या बन जाएगा? दौड़ान। अगर ये कह रहा थक, थक में आन लगा दूं तो क्या बन जाएगा? थकान। अगर चढ़ में अगर आन लगा दूं तो चढ़ान। अगर ये कह दे पठ में आन लगा दो भाई साहब, मैं कह दूंगा आ जाओ मेरे पठान, तो क्या बन जाएगा? पठान बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर हर है हमारे पास, अगर इनमें ई को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? मेरे हरी, मेरे भगवान, तो क्या बन जाएगा? हरी। अगर बात कीजिए कह दिया जाए गिरी, अरे गिरी में अगर ई लगा दूं तो ये बन जाएगा गिरी। तो यहां दस रथ, तो दस रथ में अगर ई लगा दूं दस रथी। अगर माला, माला में अगर आ लगा आ ई लगा दूं तो क्या बन जाएगा? माली। तो यहां इस तरह से शब्द की रूपरेखा चेंज हो जाती है, किसे के लगाने पर? प्रत्यय को लगाने पर। अगर धातु में अगर प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? एक नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? नया शब्द बनेगा जिसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब आपसे कहते सर ये बताओ इया लगा दूं किसी शब्द में क्या होगा? भाई तू छल तो कर रहा है, अगर किसी ने इया लगा दिया तो लोग तुझे कहेंगे छलिया। अगर तूने जड़ के आगे इया लगा दिया तो जड़िया। अगर तेने अब कभी यहां बढ़ के आगे लगा दिया तो तेरी हो जाएंगी तारीफ, तुझे कहेंगे बहुत बढ़िया लड़का है, इसका तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया, करा दो भैया। यहां घट में अगर इया लगा दे तो क्या हो जाएगा? घटिया। क्लियर है? अगर पठ में इत लगा दूं तो क्या बन जाएगा? पठित बन जाएगा। अगर कथा में व्यथा है, व्यथा में अगर इत लगा दूं व्यथित बन जाएगा। अगर फल में इत लगा दूं फलित बन जाएगा। अगर पुष्प में इत लगा दूं तो पुष्पित बन जाएगा। इस तरह से अगर धातु में अगर प्रत्यय जोड़ देता हूं तो शब्द की अर्थ में ही परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद मेरे पास आता है तंदित प्रत्यय। अब यहां एक चीज और समझ लो, कहां है तंदित प्रत्यय मतलब क्या होता है? हाँ, क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया हो सकती है धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है, मतलब जो प्रत्यय क्रिया से संबंधित हो उसे कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं। इस तरह से भी याद कर लेना, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं लिख लिख लिख, अगर इसमें ना जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? लिखना। क्या बन जाएगा? लिखना। आप कहेंगे सर इसमें बनेगा लिखना, क्या बनेगा? लिखना। तो ना क्या है? प्रत्यय है, और ये क्या है? धातु। धातु प्लस प्रत्यय को मिला करके क्या बना? क्रिया भी बन जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जैसे पढ़ ना, पढ़ में अगर ना जोड़ दूं तो पढ़ना एक क्रिया बन जाएगी, इस चीज को समझ लेना है। अगर मैं कह दूं सुन 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 बे सुन, और उसके बाद कह दे ना अब ना कह रहा, तो क्या बन जाएगा? सुन ना। क्या बन जाएगा? सुन ना। तो यहां पर एक ये तो क्रिया मूल शब्द हो गया जिसे बोलेंगे धातु, और ये हो गया प्रत्यय। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी क्रिया। इस बात का भी ध्यान रखना है, कभी पता पड़ी लापरवाही का नतीजा ऐसा हो, दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो ये कहानी ना बन जाए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या बोला है, तंदित प्रत्यय क्या कहते हैं? तंदित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उसे तंदित प्रत्यय कहते हैं। अब इसने कहा संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, इनके साथ जो प्रत्यय लगते हैं उसे तंदित प्रत्यय कहते हैं। अब यह कहते मुझसे सर ये बताइए धनवान की, अगर इसने बात की धनवान, इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? भाई धन तो एक मूल शब्द है, धन तो एक मूल शब्द है। बान क्या है? बान प्रत्यय का काम कर रहा है। बान प्रत्यय का क्या काम कर रहा है? तो यहां क्या होगा? धन बान। इसमें बान क्या होगा? प्रत्यय होगा। अगर विद्या विद्यावान, विद्यावान जिसके पास विद्या है तो कैसा कहलाएगा व्यक्ति? विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान है। मुझे कमेंट बॉक्स में तुम्हें ये क्वेश्चन बताना है, आप जवाब देना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, इस चीज का देखो कमेंट में इसका जवाब आना चाहिए। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभी इसका जवाब देंगे,
उम्मीद करूंगा इसका जवाब सभी का आना चाहिए, अगर जो वीडियो देखेगा उसका आंसर तो आना चाहिए, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बलवान, बल में अगर बान प्रत्यय लगा दूं तो बलवान एक शब्द बन जाएगा। बल क्या है, मूल शब्द है। भाग्य, भाग्यवान, अरे बड़े भाग्यवान हो तुम, तुम्हारी कृपा से तो मेरी नौकरी लग गई, तो वहां क्या हो जाएगा, भाग्यवान। कहते हैं ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी शादी नौकरी से पहले कर लेते हैं, कहते हैं ऐसी भाग्यवती हमारे घर में आएगी, आती ही मेरी नौकरी लग जाएगी, तो वहां क्या होता है, बहुत से कहते हैं बड़ी भाग्यवान बहू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग्यवान। उदारता, उदार की अगर बात करता है और इसमें ता प्रत्यय लगा दूं तो क्या कहलाएगा, उदारता कहलाएगा। अगर सफल की बात कर रहा है, अगर इसमें ता प्रत्यय लगा दूं तो सफलता। पंडित की बात कर रहा है, अगर इसमें आई लगा दूं पंडिताई, कहते हैं ना पंडिताई कर रहे हैं, वक्रतुंड महाकाश सूर्य को डिसंपर बना स्वाहा, तो क्या होता है, वक्रतुंडा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पंडिताई। अगर बात कर रहा है चालाक ई, तो यहाँ क्या बन जाएगा, चालाकी, ई प्रत्यय लगाने से। उसके बाद ज्ञान की बात कर रहा है, ई प्रत्यय लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ज्ञानी। क्लियर है भाई। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों का इसमें प्रयोग होगा, यहाँ इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तद्धित प्रत्यय आपके समझ में आ गए होंगे, कृदंत प्रत्यय आपके समझ में आ गए होंगे। कल और सॉरी सोमवार को आपकी क्लास, सोमवार का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, जो सोमवार से जो क्लास चलेगी हमारी, सोमवार को एक विशेष दिन पर, और तारीख कितनी है, 11 मार्च से लगातार क्लास चलेगी, लगातार क्लास चलेगी, ऑब्जेक्टिव चलेगी, एमसीक्यू वाली चलेगी, प्रैक्टिस बैच यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यू प्लस आरओ और एआरओ का होगा, एआरओ का पीवाईक्यू होगा, यूपी पुलिस का होगा, यूपीपी का पीवाईक्यू होगा, और एसएससी जीडी का पीवाईक्यू होगा। उन पीवाईक्यू पे काम करा जाएगा, और सोमवार को 8:30 से ये क्लास डेली चलेगी, और सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस में आप झंडा गाड़ सकें अच्छा वाला, ताकि आपको दिखे कि सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए ये क्लास डेली चलने वाली है, और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करें। मिलते हैं कल की क्लास में, सोमवार सॉरी नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।